हेलो दोस्तों, मेरा किस आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर से अपने नए वीडियो पे। दोस्तों जैसा कि आपने ऊपर टाइटल और थंबनेल पे देखा है, यहाँ पर आपने बिल्कुल ही सही देखा और सही पढ़ा। दोस्तों अगर आप एक एयरटेल रिटेलर हो या यहाँ पर हो आप एक जियो के रिटेलर या यहाँ पर हो आप एक वोडाफोन आइडिया वी के रिटेलर या यहाँ पर हो आप एक बीएसएनएल रिटेलर और अगर आप यहाँ पे सिम कार्ड चालू करते हो ग्राहक के लिए, तो यहाँ पर आपके लिए भारत सरकार की ओर से एक नया निर्देश आ चुका है। तो वो नया निर्देश क्या है, कौन सा नया नियम यहाँ पर लगाया गया है भारत सरकार की ओर से सिम चालू करने वाले रिटेलर के लिए, वो अगर आप ये जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखना। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चाहे पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों आइए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर फाइनली यहाँ पर जो है भारत सरकार की ओर से एक नया निर्देश आ चुका है रिटेलर भाई के लिए। जो यहाँ पर रिटेलर भाई नया सिम कार्ड चालू करते हैं ग्राहक के लिए, सभी के लिए नियम एक ही होने वाला है। जो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ वो आप यहाँ पे ध्यान से सुनोगे और यहाँ पर नोट करना चाहो तो आप यहाँ पे नोट भी कर लोगे। यहाँ पर भारत सरकार की ओर से यहाँ पर जो नया निर्देश यहाँ पर लागू किया गया वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर भारत सरकार की ओर से ये बताया गया है कि यहाँ पर जो भी सिम कार्ड विक्रेता है वो यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन बायोमेट्रिक यहाँ पर वेरिफिकेशन उनका होगा, यहाँ पर पुलिस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन यहाँ पर उनको करवाना होगा। ये निर्देश यहाँ पर साफ तौर पे यहाँ पर किया गया है रिटेलर भाई के लिए। और यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है सिम डीलर के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन यहाँ पर जरूरी होगा, अनिवार्य कर दिया गया है रजिस्ट्रेशन भी। तो यहाँ अगर अगर आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है और यहाँ पर अगर आप सिम चालू करते हो और यहाँ पर धोखाधड़ी अगर होता है वो सिम कार्ड से, और आप यहाँ पे अगर यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन यहाँ पर नहीं करवाए हो या यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हो और अगर आप धोखाधड़ी में ये पकड़े जाते हो, यहाँ पर आपका सिम से किसी भी प्रकार का धोखाधड़ी होता है, तो यहाँ पर आपको 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। यहाँ पर ये निर्देश निकल कर आ रहा है। और उसके अलावा यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है भारत सरकार की ओर से यहाँ पर धोखाधड़ी को रोकने के लिए यहाँ पर जो है बंद किया जा रहा है अभी यहाँ पर सिम कार्ड जो फर्जी सिम कार्ड है, और ये फर्जी सिम कार्ड को लगभग यहाँ पर जो है 52 लाख यहाँ पर फर्जी सिम कार्ड यहाँ पर बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर 52 लाख यहाँ पर जो फर्जी सिम कार्ड यहाँ पर बंद किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर 67,000 यहाँ पर डीलरशिप को ब्लैक लिस्टेड किया गया है, 300 FIR दर्ज किया गया है। और यहाँ पर जो थॉक में सिम कार्ड यहाँ पर खरीद होता था यहाँ पर उसे भी बंद कर दिया गया है। थॉक में सिम कार्ड अब यहाँ पर नहीं बेच पाएंगे। यहाँ पर जो थॉक में यहाँ पर जो सिम कार्ड होता था वो यहाँ पर कंपनियां अपने एम्प्लॉय के लिए जो यहाँ पर थॉक में सिम कार्ड लेते थे उसमें यहाँ पर कुछ नया रूल अब हो सकता है आने वाले दिनों में लगाया जाए। और यहाँ पर ये सारा कुछ यहाँ पर जो है नया नियम लगाया गया है। तो अगर आप ये नया नियम का पालन नहीं करते हो, उल्लंघन करते हो, तो यहाँ पर आपको जो है 10 लाख रुपए तक का यहाँ पर जुर्माना भी लग सकता है। आप किसी भी कंपनी का यहाँ पर सिम कार्ड चालू करो, लेकिन यहाँ पर सही तरीके से सिम कार्ड चालू करो। यहाँ पर आपको सावधानी से सिम कार्ड चालू करना है और सिम कार्ड चालू करते वक्त यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट को पूरी तरीके से अच्छे तरीके से साफ तरीके से यहाँ पर चेक करना है कि जिसका डॉक्यूमेंट है क्या वही आदमी यहाँ पर जो है सिम कार्ड खरीदने आया है। आप जो है डॉक्यूमेंट से फेस को मिला लोगे, अगर मैच करता है और अगर आपको लगता है कि ये डॉक्यूमेंट इसी का है, सही आदमी है, तभी आप यहाँ पे सिम कार्ड को चालू करोगे, नहीं तो आपको आने वाला दिन में प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों इसी को लेकर ये नया अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा था, तो आपको जो है सावधानी से अब यहाँ पर काम करना होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर देना। और अगर आपको तभी वीडियो से रिलेटेड किसी प्रकार का सवाल सुझाव तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर साथ ही साथ मैंने अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। तो अगर अभी तक आपने अपने भाई का टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो किस बात का जाकर ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय हिंद।